गांववाणी यूट्यूब चैनल में, और आज हम आप सब लोगों के साथ जो सीएससी के माध्यम से भू कौशल का जो कोर्स चलाया गया है उसके द्वितीय वीडियो में, हम पहले वीडियो में हमने आप सबको बताया था कि भू कौशल कोर्स क्या है, किस प्रकार इसके माध्यम से हम जियो टैगिंग जो एक सर्वे का पार्ट हम कर सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करने के बाद जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके पास मेल के ऊपर आया है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि जो रजिस्ट्रेशन करते समय जो ईमेल आईडी आपने दी है वो यूजर आईडी रहेगा, और जो मोबाइल नंबर आपने दिया है वो इसमें पासवर्ड रहेगा। जैसे यहाँ एक मनीषा देवी जी का एक ये डैशबोर्ड हमने लॉगिन किया है, और इसके माध्यम से आप लोगों को हम बताएंगे कि इस कोर्स में किस प्रकार आप लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही माई कोर्स पे क्लिक करेंगे, ये सबसे पहले आप डिजिटल पाठशाला डॉट सी एस सी अकेडमी डॉट ओ आर जी वाला जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लॉगिन करके, स्टूडेंट लॉगिन में अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करके आप इस अपने अकाउंट की मेन स्क्रीन के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ आपने माई कोर्स पे क्लिक किया, जैसे आप माई कोर्स पे क्लिक कर सकते हैं तो करने के बाद में आपके पास एक इस तरह का डैशबोर्ड डिस्प्ले होता है, जिसमें भू कौशल फंडामेंटल ऑफ जीआईएस के बारे में आपको समझने को मिलेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो ESRI जो इंडिया है उसके माध्यम से जो 60 दिन का अधिकतम जो ड्यूरेशन का ये जो कोर्स आपको सीएससी एकेडमी और ESRI इंडिया के माध्यम से कराया जा रहा है, इस प्लेटफॉर्म की लर्निंग के लिए आप लर्न नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आपने लर्न नाउ पे क्लिक किया उसके बाद आपके सामने एक इस तरह एक होम स्क्रीन एक वेब पेज डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना ये जो कोर्स है इस कोर्स के पूरे कंटेंट के बारे में देख सकते हैं। यहाँ आप अपना कोर्स अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो देखिए, ये पहले यूनिट के ऊपर मैंने लर्न नाउ पे क्लिक किया। इस प्रकार इसमें अलग अलग चार सेक्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। जो सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट फोर्थ और फिफ्थ यूनिट जो है इसमें वीडियो के माध्यम से आप सब लोग लर्न कर सकते हैं, और ये कंप्लीट लर्निंग करने के बाद आप अपना फीडबैक फोरम और क्विज कंप्लीट कर सकते हैं। जो क्विज सेक्शन को कंप्लीट करोगे तो आपको उसी के आधार पर सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस पे क्लिक करते ही ये आपके सामने देखो इस कोर्स के बारे में एक डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन। ये मॉडल के बारे में हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरीके से आपको यहाँ बताया गया है। अब आप अगला मॉड्यूल जो यहाँ से लर्न करना चाहें तो आप इस पे क्लिक करेंगे। ऐसे करके स्टूडेंट को वन बाय वन एक एक जो इसमें कंटेंट दिया हुआ है उसको लर्न करना है। अब मैं देखिए आगे मेरी जो यूनिट है उसके ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया और इसी प्रकार एक एक करके मुझे सारे के सारे चैप्टर जो भी स्टूडेंट होता है उसे यहाँ लर्न करना होता है। आपने जो इस भू कौशल प्रमाण पत्र के लिए जो निकटवर्ती सीएससी सेंटर पे अपना रजिस्ट्रेशन किया है, अगर आप आईडी पासवर्ड भूल गए, मेल आपने डिलीट कर दिया है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, जाके भी अपना आईडी पासवर्ड आप वहां से रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद आप जब कंप्लीट लर्निंग आप पूरी कर लेते हैं, फीडबैक भी आपने अगर अपना यहाँ कंप्लीट कर दिया है, तो उसके बाद जैसे फीडबैक के लिए गूगल फॉरम होगा, आप जैसे ही फीडबैक वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो फीडबैक वाला सेक्शन क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ इस तरीके से गूगल फॉरम का एक लिंक डिस्प्ले होगा। उस इस हाइपर लिंक पे आपको क्लिक करना है। जो ही आप फीडबैक वाले हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखो फीडबैक फॉर भू कौशल कोर्स, इसके बारे में आपका जो फीडबैक क्या रहा वो आपको अपनी फीडबैक यहाँ पर वन बाय वन ये 15 जो स्टेप्स दिए हैं उनको कम्प्लीटली पढ़ के, और आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे फिर आप अगले क्विज वाले सेक्शन पे चले जाते हैं। यहाँ क्विज वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका क्विज सेक्शन का इस तरीके से पार्ट डिस्प्ले होगा। आप पहली बार अगर क्विज देंगे तो यहाँ आगे क्विज स्टार्ट हो जाएगा। टेक नो, इस स्टूडेंट ने अपना खुद का एग्जाम कंप्लीट कर लिया, इस वजह से देखो यहाँ असेसमेंट ये कंप्लीट दिखा रहा है और ये बता रहा है कि ऑलरेडी आपने इस एग्जाम को कंप्लीट कर लिया है। जब आपका सफलतापूर्वक एग्जाम का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अपने राइट हैंड पे ऊपर जो नाम डिस्प्ले हो रहा है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही प्रदर्शित जो मेन्यू में आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद अब आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो अगर आप यहां से डाउनलोड करना चाहें तो माई सर्टिफिकेट वाले सेक्शन पे जाएंगे। माई सर्टिफिकेट वाले सेक्शन पे जाने के बाद आपको यहां
गेट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। जैसे आपने गेट सर्टिफिकेट पे किया तो अब आपका सर्टिफिकेट यहाँ डाउनलोड होने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और ये पीडीएफ में आपके पास आपका सर्टिफिकेट इस तरीके से बनकर डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान तरीका है, कितने सरल इस पैटर्न को पूरा करके, और जिन प्रतिभागियों ने यहाँ पर 30 घंटे का जो अपना फंडामेंटल ऑफ जीआईएस का जो कोर्स कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद उसका ये जो सर्टिफिकेशन है जो कंप्लीट करने का, सर्टिफिकेशन ऑफ द कंप्लीट जो एक कोर्स करने का जो पार्ट है वो आपका भू कौशल प्रमाण पत्र बनकर डिस्प्ले हो जाता है। तो हमारा प्रयास रहा हमारे आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को हम किस प्रकार ये भू कौशल का जो कोर्स है उसे आप लर्न कर सकते हैं। सीएससी के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो 75 सीटें फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉट की गई थी, ये गांव के लोगों को एक भू कौशल के बारे में जीआईएस टेक्नोलॉजी जो ईएसआरआई इंडिया के माध्यम से और सीएससी एकेडमी के माध्यम से ये पार्ट चलाया गया था, काफ़ी लोगों को इससे सुविधा भी मिली, फायदा भी मिला और इस तरीके से उनको सर्टिफिकेशन भी मिल पाएगा। तो धन्यवाद, हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसी प्रकार एक नई सर्विस की जानकारी आप लोगों तक साझा करने के लिए। धन्यवाद।